Hi everyone, and welcome to the channel. I am AKS Rajveer. On this video, students, I'm going to discuss with you PYQs and MCQs based on Unit 9. Previous day, students, there was a free class at an academy, the learning application. And on that class, students, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि सेकेंड पार्ट जो इस सीरीज का होगा वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी यूनिट 9 है यूजीसी नेट इंग्लिश की, सो उस यूनिट 9 को मैं इसमें मतलब थियोरीज, लिटरेरी थियोरीज एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर, दिस इज द नेम ऑफ यूनिट 9। सो मैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। And one more thing, students, you can also join my free classes on an academy, the learning application. So, इसे install कर लीजिए, वहाँ पर मुझे follow कीजिए। आज students वैसे देखिए ये मैं लेकर क्या हूँ, literary theory post world war, और आज भी मेरी free special class है 2 बजे। So please you can join me live on an academy, the learning application. So now students, one more thing, you can also join my paid courses on an academy, the learning application. And AKS Rajveer, this is my referral code. एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये नंबर दिया हुआ है, प्लीज इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन जो स्क्रीन, द अर्लिएस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म इज। सो दोस्तों देखिए, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, प्लीज सो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है सो प्लीज यू कैन सिलेक्ट। प्लीज So, earliest tract on feminism. So, दोस्तों आंसर इसका जो राइट वाला है वो है, ये है मैरी एस्टल्स अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज। स्टूडेंट्स, ये जो मैरी एस्टल का वर्क है अ सीरियस प्रपोजल टू लेडीज, सो ये 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखा गया था एंड दिस इज नोन एज द वेरी फर्स्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म। लेटर ऑन स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट सो लेटर ऑन आई, बट ये जो राइट आंसर है वो ये है। अगर मैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करूं, सो देन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, सो शी हैज रिटन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। स्टूडेंट्स ओके, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये मदर थी किनकी, मैरी शैली की, और वाइफ विलियम गॉडविन की, एंड मदर इन लॉ शोपी बी शैली की, एंड वर्जीनिया वुल्फ। स्टूडेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ का भी ये वर्क आया था, अ रूम ऑफ वंस ऑन। जी स्टूडेंट्स, आया था, यह आया था, अगर मैं इसकी बात करूं 1792 के टाइम पीरियड में आया था, रूम ऑफ वंस ऑन, सो 1928 के टाइम पीरियड में आया था। एंड देन सी रूम ऑफ वंस ऑन, स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो अ फेमिनिस्ट वर्क। साइमन डी बेवर की अगर मैं बात करूं, द सेकेंड सेक्स, सेकेंड सेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो करेक्ट आंसर इज मैरी एस्टल्स अ सीरियस प्रपोजल टू लेडीज। नेक्स्ट वन, All forms of feminism posit that. So, ये आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से आप इन ऑप्शन को देखें, कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है प्लीज, एंड देन करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन राइट योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, I'm going to show you correct answer. और ये जो लिखा ना, ये है yes, financial है students, financial, financial. So correct answer देखिए आप अपनी स्क्रीन में, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सी, फर्स्ट एंड थर्ड वन। सो फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सेस इज वन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन। ओके, ये स्टूडेंट्स फेमिनिज्म के में क्या माना जाता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म पॉजिट दैट। So all forms of feminism supports what they supports. So yes, the relationship between sexes is one of the inequality and oppression, right? Then third one, women need financial, students, financial independence, right? Yeah, financial independence. अगर मैं बात करूँ students, financial independence का एक जो बहुत अच्छा example आपको मिल जाता है, so ये जो Virginia Woolf का work है ना, room, the room of one's own, the room of one's own, students, this is the work जो 1928 का ही work है, 28-29,
ये जो वर्क है ना, ये वर्जीनिया वुल्फ का बहुत अच्छा वर्क है जहां पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई है. और इवन वहां पर आपने देखा ना कि द रूम ऑफ वन सॉन, सो विलियम शेक्सपियर एंड हिज इमेजिनरी सिस्टर जुडिथ शेक्सपियर का एग्जाम्पल लिया है वर्जीनिया वुल्फ. नाउ सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. सो हियर इज द नेक्स्ट वन. प्लीज एज यू कैन सी, प्लीज आप पढ़ें और आप आंसर करें, बिकॉज स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स आपके लिए है और आप आंसर कर सकते हैं. और बढ़िया से आप आराम से पढ़ते रहें, मैं इसके बाद आंसर आपको बताऊंगा. सो नाउ यू कैन सी करेक्ट आंसर ऑन योर स्क्रीन. सो हियर इज द करेक्ट आंसर. एज यू कैन सी करेक्ट आंसर इज पैंटोमाइम. स्टूडेंट्स डेरेक वॉलकॉट्स प्लेज विच वन इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कोलोनियल रिलेशनशिप थ्रू द रॉबिन्सन क्रूशो स्टोरी. सो स्टूडेंट्स ये आंसर है पैंटोमाइम. बिकॉज स्टूडेंट्स अगर मैं पैंटोमाइम की बात करूं, पैंटोमाइम ये जो वर्क है स्टूडेंट्स डेरेक वॉलकॉट का, ये कुछ ऐसा वर्क है कि जिसमें रॉबिन्सन क्रूशो से बहुत सारा डेरिवेशन लिया गया है. अगर आपको थोड़ा डिटेल की जरूरत पड़े सो प्लीज डू शेयर पैंटोमाइम ऑन गूगल, पैंटोमाइम बाई डेरेक वॉलकॉट, सो देन यू विल फाइंड द डिटेल. सो यस स्टूडेंट्स पैंटोमाइम इज द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट वन, सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन. सो यू हैव स्टूडेंट्स assertion एंड रीजन. सो assertion एंड रीजन को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपका आंसर. स्टूडेंट्स प्लीज हरिए. सो थोड़ा सा बैटरी लो. ओके सो जस्ट वेट स्टूडेंट्स, आप पढ़ें इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ. ओके सो आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को. और चलिए प्लीज, सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. सो ये जो दो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा आंसर सही है, सबसे पहले देखेंगे. सो करेक्ट आंसर, यू कैन सी करेक्ट आंसर इज बी. बोथ ए एंड आर करेक्ट स्टूडेंट्स. या बोथ ए एंड आर करेक्ट स्टूडेंट्स. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. और ए आर को थोड़ा पढ़ लेते हैं. See, some post-colonial writers maintain that being unhomed is not the same as being homeless. Being unhomed is not the same as being homeless. Okay, because the migrants are not at home in themselves, their cultural identity crisis has made them psychological refugees. Right, students? So this is the correct answer. Yes, A or R, dono correct hai, students? Yes. See the next one. Which of the following statement is not true of many contemporary African writers? So please, आपके पास ये four options है. Please, out of four options आप select कर सकते हैं बिल्कुल. Okay, students. So please, I hope select कर लिया आपने answer. Correct answer is they. Celebrate unambiguously the benefits of Western education. Students, ye jo African, which among the following statement is not true of many contemporary African writers? They celebrate unambiguously the benefit of Western education. Students, this is not true. Because they know the benefit of Western education, so that's why they are consciously expressing, not unconsciously. Here is the next one. Kipling, the white man's burden is addressed to. So students, ये आपके पास option है, देखिए please. 1, 2, 3, 4, ये आपके पास सारे options हैं. So please select कीजिए कोई भी answer. Correct answer, students, इसका I hope कि आपने write किया comment box में. Here is the correct answer. So correct answer is A. The American Imperial Mission in Philippines. This is the correct answer. Right? This is the correct answer. Now see the next one. And please do remember, students, ये जो White Man's Burden है, ये Kipling का work है. And in White Man's Burden, Kipling is going to talk all about that there is a burden on white man to improve these savages. Savage students कौन है कि ये जो blacks है, जैसे इंडियंस है, फिलीपींस में और अफ्रीकन्स है, सबके लिए. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जॉर्ज लैमिंग इन द कासिल ऑफ माई स्किन इज नॉट ट्रू.
कासिल ऑफ माई स्क्रीन स्टोन्स ये वर्क है किसका, जॉर्ज लैमिंग का, और एक कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स इट्स अ थीम पैरडी द टेम्पेस्ट, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऑन वन लेवल दिस इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, राइट, इट इज अ एलिजाइक अकाउंट ऑफ अवलेट्स ग्रोथ इनटू अवेयरनेस इन द लेट कॉलोनियल पीरियड, ये भी सही है। एंड दिस वॉज जॉर्ज लैमिंग्स फर्स्ट नॉवल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट स्टूडेंट्स ये पैरडी है किसकी, टेम्पेस्ट की बाई विलियम शेक्सपियर, सो दिस वन इज नॉट करेक्ट एट ऑल। Next one, the reader response theory implies that there is no one correct meaning of the text. The reader often aids construct the meaning, beliefs determine meaning, a style is the hallmark of the text. So please select कीजिए right answer को. So now you can see correct answer. So here is the correct answer, as you can see, first one, there is no one correct meaning of the text. So reader response theory implies. So there is no one correct meaning of the text. Okay, stability of meaning or up centralization ki baat kar lijiye, right? Next one. Who among the following is not a reader response critic? So you have Bodkin, then Hans Robert Jos, and then C. Stanley Fisk, then Wolfgang Escher. So correct one, please. Correct one answer, students, first one. So Maud Bodkin, not a reader response critic, remaining like Hans Robert Jos, Stanley Fisk, Wolfgang Escher, and students, yes, these three are reader response critic, but not Maud Bodkin. Derrida's American Disciple were, so students, these are the four options, so please do select one. Okay, so here is the correct answer. Correct answer is Geoffrey Hartman, Paul D. Mann, J. H. Miller. So correct answer, students, yeah, first one is the correct answer. Yes, these all are American disciple. Okay, of whom? So of Jacques Derrida. Deconstruction. Concept of habitus was introduced by Pierre Bourdieu, Walter Benjamin, Julia Kristeva, or John Baudrillard. So please select kare right answer ko, hurry up. So correct answer, students, aapki screen pe please. This is the correct answer, Pierre Bourdieu. This is the correct answer, students. Concept of habitus was introduced by Pierre Bourdieu, students. Okay, correct answer. Here is the next one. Identify the correctly matched group. Students, you can see correctly matched, you can see students here. Critic and his term. Right, students? So please. Habitus, Flanner, Cora, Simulacrum. Correct answer, students. So Cora by Julia Kristeva. This is correctly matched. Right? Cora by Julia Kristeva. Next one, identify the incorrect matched concept. The subaltern, meta history, polyphony, or hegemony. And please, students, do like the video and share with your friends too. Identify the incorrect match. So students, ये जो incorrect match है, so इसमें देखिए please. अब देखिए the subaltern. So subaltern concept गायत्री चक्रवर्ती इसकी बैक. बहुत ज़्यादा गर्मी है. And meta history. So Haddon White. Polyphony. So Julia Kristeva. And hegemony Antonio Gramsci. So this one is correct. This one is correct. And this one is correct. But Julia Kristeva not Mikhail Bakhtin, students. Polyphony. So that is Bakhtin. Right? Correct answer. So, ye incorrect matched hai, polyphony, baki correctly matched hai. Three. Next, students, ye aap dekhe, please, thoda sa ye matching based, thoda sa main aapko introduce karna chahunga, ye bahut important cheez hai aapke liye.
Like, see, Habitus, so by body. Flaneur, so by Walter Benjamin. Cora, so Julia Kristeva. Simulacrum, so, or Simulacra, so Jean Baldila. The Subaltern, Gayatri Chakravarti, Spivak. Meta History, so Adam White. Polyphony, so Mikhail Bakhtin. And Hegemony, so Antonio Gramsci. Please, ye jo concept hai, in concepts ko aap bahut acche se yaad rakhe, please. Ek baar aur revise kijiye. Habitus, Flaneur, Cora, Simulacrum, Subaltern, Meta History, Polyphony, and then see Hegemony. Students, see next one question. So next one is Jean Baldillard tells us postmodern societies are marked by simulacra. So students, these are the four options as you can see on your screen, please. So I think students, one option nahi hai yahan par, please. Yeah. So what we can do, please. Koi baat nahi students, skip karenge is question ko. Correct answer is second one. So A and C correct answer hai, and A hai hi nahi is option. C. Why does John Baldillard adopt Disneyland as his own science studios? So, ye aapke PYQs hai students, please. So, see these all options, please. Agar main thoda sa bhi fast ho, so aap video ko pause kar sakte hai, no problem. Okay, so correct answer, students, you can see on your screen. Disneyland is an artifact that so obviously announces its own fictitiveness that it would seem to imply some counterbalancing reality. Disneyland, students, kahin exist nahi karta, but ye itna hamare jo fictitious ye place hai, so ye itna hamare liye familiar ho gaya ki it gives something really real thing and all. Next one question, students. So this is match the following terms with description. So please match kijiye, hurry up karke fatafat match kar dijiye. Ambiguity, aporia, intertextuality and heteroglossia. Students, agar main thoda sa fast ho, so aap video ko pause kar dijiye aur iske baad aap match kijiye. Main aapko correct answer show karne wala. Correct answer, this one is students, so third one, four, third, one, second. So students, here matching. Ambiguity, students. So ambiguity, this was the term introduced by William Empson. So ambiguity ko hum match karenge fourth ke saath, right? Then aporia, aporia concept, students. So aporia ka jo concept hai, so ye Derrida ke saath aata, Jacques Derrida. So dekhiye third one ke saath hume match karna hai isko, right? Now second one. Intertextuality, students. So that is text within text. Okay, students, yeah, text within text. So see, a term coined by Julia Kristeva to refer to the fact that texts are constituted by the tissue of citations. So that is, students, so you can see first one matching hogi iske liye, please. Intertextuality is the first one, and then see heteroglossia. So see, a term used by Mikhail Bakhtin. Ab yahan par aapko yaad kya rakhna chahiye, please. देखिए एम्बिग्युटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, सो दैट इज बाय एम्पसन, विलियम एम्पसन, और एक वर्क आया था इनका सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्युटी. बात करेंगे अपोरिया के स्टूडेंट, सो अपोरिया कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद जैक्स डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन. इंटरटेक्सुअलिटी, सो टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, और इसको याद रखेंगे हम क्रिस्तेवा के साथ. एंड देन हेट्रोग्लोसिया स्टूडेंट, सो दैट इज बाय मिकाएल बक्हटिन. नेक्स्ट वन. According to Bakhtin, the idea of carnivalesque represent the following characteristics except. So, ye dekhiye aapke paas four option hai, and now you can select the right one answer, please. See the correct answer, students. Correct answer is a harking back to the past. A harking back to the past. So, see. The following characteristics except. So, dekhiye please students, isko nahi represent karta kaun carnivalism. A liberation from the prevailing truth and established order, right. Emphasis on play, parody, pleasure and the body, right. The suspension of all the hierarchical rank, principle, norms and prohibition. So, students are right. But this is not right, a harking back to the past. Next one.
Which writer applied the term cultural poetics to his own critical contribution to make literature and art as part of social practice? So students, cultural poetics, जब भी हमारे साथ आएगा तो हमें बहुत जल्दी आंसर कर देना है. फोर ऑप्शंस है बट आई थिंक स्टूडेंट्स यू गॉट द आंसर, और अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा पॉज करके आप वेट कीजिए, मैं आपको राइट आंसर शो करता हूँ. करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स स्टीफन ग्रीनब्लैट. सो आप प्लीज याद रखिएगा कल्चरल पोइटिक्स, सो दैट इज एसोसिएटेड विद स्टीफन ग्रीनब्लैट. In which of the following works did Bakhtin proposes his widely cited concept of carnivalism? देखिए जो पहला क्वेश्चन था अभी से वो कार्निवलिस्ट से रिलेटेड था. अब ये कॉन्सेप्ट किस वर्क में आया? Discourse in the novel, Dialogic Imagination, Rabelais and his World, Forms of Time and Chronotope in Novel. So students, मैं आपको राइट आंसर शो करने वाला हूं. प्लीज एंड यू मे पॉज द वीडियो अगर आप थोड़ा सा भी लेट है. करेक्ट आंसर. So this is Rabelais and his World. This is the correct answer where the term carnivalist came in existence. Semiotics originated mainly in the works of two theorists. They are Sanders Peirce, Mikhail Bakhtin, Ferdinand de Saussure or Valentin Wolosnoy. So students, please do select the right or answer. Hurry up, please. एक आप कोड सिलेक्ट करेंगे कौन सा है प्लीज, और आप देखेंगे. देखिए यहां पर मुझे मेजर फोकस करना चाहिए वो सीमियोटिक्स. करेक्ट आंसर ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स. सो हियर इज द करेक्ट वन आंसर. थर्ड वन इज द करेक्ट वन, ए एंड सी. सो इट मींस चार्ल्स सैंडर पियर्स एंड फर्डिनेंड डी सेशोर. सो दोनों सीमियोटिक्स है राइट. और सीमियोटिक्स स्टूडेंट्स सो स्टडी ऑफ साइंस, और आपको पता है साइन नॉट साइंस स्टूडेंट, साइन एस आई जी एन एस साइंस राइट. और वैसे भी फर्डिनेंड डी सेशोर सो ही इज गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट सिग्निफायर सिग्निफाइड एंड ऑल. नेक्स्ट वन, दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग फेमिनिस्ट एसे रिटन इन 1970s विद यूज्ड हाइब्रिड टर्म्स लाइक सेक्स्ट एंड यस क्योसमस. आइडेंटिफाई द ऑथर. सो आपके पास देखिए ऑप्शंस है प्लीज. करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, here is the correct answer. So correct answer is Helen Sixous. और Helen Sixous को students आप अगर देखें तो Helen Sixous के essays को जब आप search करेंगे, please मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, but please आप Helen Sixous को जरूर search करें. Feminist based questions जो आपके UGC NET exam में होते हैं, so at least students one or two question आपके always exam में मिलेंगे. आप previous year papers को check कर लीजिए, even ये question भी previous year है. Match the works with authors. So, देखिए please Homi Bhabha, Geoffrey Hartman, Said, Kristeva. So, मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं. And please हम match करते हैं. So, देखिए students, Geoffrey Hartman, Edward Said and Kristeva, Homi Bhabha. अब जल्दी से please आप search थोड़ा सा answer कीजिए और मैं इसके बाद आपको answer show करूँगा और match करेंगे हम लोग. करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, सो मैं शो करता हूं. अगर आप लेट है सो प्लीज आप मैच कीजिएगा पॉज करके. सो हियर इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन. सेकेंड वन स्टूडेंट, सो दिस इज ए टू सेकेंड वन, क्योंकि होमी के भाभा ने स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ कल्चर की बात की. एंड देन यू हैव Geoffrey Hartman, सो बी की मैं फर्स्ट से बात करूंगा, सेविंग द टेक्स्ट. एडवर्ड साइड, सो कल्चर एंड इंपीरियलिज्म. एंड जूलिया क्रिस्तेवा, डिजायर इन लैंग्वेज. सो दिस इज द राइट मैच स्टूडेंट. The structural analysis of science was practiced by Michel Foucault, Jacques Lacan, Kristeva, Barthes. Please. So correct answer on your screen. So here is the correct answer. As you can see, it's students Roland Barthes. So अगर science की बात करें तो students पहले तो बात किया था Ferdinand Saussure ने और Charles Sander Peirce and all ने. लेकिन इसके बाद फिर रोलैंड बार्थ ने बात किया डीकंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स. ओके, द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म 1941, सो रिटन बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ब्रुक, रैंसम, वारन एंड टेट. सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट, सो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है जॉन क्रो रैंसम. 14
1941, जॉन क्रो रैंसम, द न्यू क्रिटिसिज्म. एंड इवन स्टूडेंट्स आपको बताइए है न्यू क्रिटिसिज्म, दिस इज अ थियरी. इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टर्म टेंसन इज एसोसिएटेड विद. सो टेंसन को कॉइन किसने किया? नीथ ब्रुक, रैंसम, ऑस्टिन वैरन और एलन टैट. ओके, सो अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं स्टूडेंट्स. हियर इज द आंसर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. एलन टैट, सो ही कॉइन द टर्म टेंसन. स्टूडेंट्स टेंसन को हम एक्सटेंशन के साथ भी देखते हैं, एक्सटेंशन, राइट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग स्कूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स. सो देखिए फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिक्स, साइकोलॉजिकल थियरी, लिटरेरी आर्ट्स एंड आर्किटाइपल इमेज. सो स्टूडेंट्स बिल्कुल देखिए पता होना चाहिए फॉर्मलिज्म का है, ये न्यू क्रिटिक्स से है और ये है साइको एनालिसिस से और ये आर्किटाइपल से है. अभी देखिए न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने आपसे बात की. सो न्यू क्रिटिसिज्म को हम मैच कर देंगे किसके साथ? रैंसम के साथ, जॉन क्रो रैंसम. और जैसे ही हमने न्यू क्रिटिक्स जॉन क्रो रैंसम मैच किया, सो एक चीज स्टूडेंट्स हमें बहुत क्लियर हो जाती है, सेकेंड टू फर्स्ट वन. अब सेकेंड को फर्स्ट वन के साथ मैचिंग करता हुआ देखिए ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है. सो या तो ये सही है या तो ये सही है, चलिए अभी हमें नहीं पता. सो सी फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म को स्टूडेंट्स अगर आप एसोसिएट करें तो तुरंत फटाफट आप एसोसिएट कर सकते हैं विक्टर साकलोस्की के साथ, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म सी. सो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टू थर्ड वन. सो फर्स्ट को थर्ड से आप मैच करता हुए देखिए, ऑप्शन फर्स्ट एकदम बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, 100% आप देख लीजिए प्लीज. या ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. सो फॉर्मलिज्म विक्टर साकलोस्की, न्यू क्रिटिक्स सो जॉन क्रो रैंसम, साइको एनालिसिस स्टूडेंट्स सो जंगियन, एंड देन सी लिटरेरी आर्ट एज आर्किटाइपल इमेज. सो स्टूडेंट्स इसको अगर हम मैच करें सो एग्जैक्टली हम ओके स्टूडेंट्स या द जंगियन स्टूडेंट्स. सो ये तो लिटरेरी एंड आर्किटाइपल, ये आर्किटाइपल वाला जंगियन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन प्लीज. और ये साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ वैल्यू इन लिटरेचर, सो ये है आई ए रिचर्ड का. मैंने कल प्लस में भी एक अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी कराया था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और प्लीज नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए और शेयर कीजिएगा. और अनअकैडमी दी लर्निंग एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेस मेरी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, लाइव क्लासेस और बहुत ही अच्छा मिलता है. यूट्यूब पे थोड़ा मजा कम आता है, वजह ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं आपको लाइव इंटरेक्टिव आपके कोई भी मैं कमेंट्स नहीं देख पाता, लेकिन जब हम अनअकैडमी पर होते हैं तो वहां पर लाइव इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता है. सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आंसर करने में, आपसे बात करने में, इंटरेक्ट होने में मजा आता है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, माय कोड AKS राजवीर. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग माय कोर्स, सो दैट इज माय द नंबर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.